Assalamu alaikum. Welcome to Conceptual Biology with Timurshah Zaid. In this video, we are going to discuss another two types of the RNA, which are transfer RNA and ribosomal RNA. We already talked about the messenger RNA in detail in the previous videos. Actually, the messenger RNA is the template RNA which carries information from DNA to प्रोटीन, ठीक है, जो प्रोटीन्स बनाने के लिए वो डीएनए फिर क्या कर लेते हैं, उसका जो कोड होता है, जो टेम्पलेट डीएनए से आता है फॉर प्रोटीन सिंथेसिस, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ द मैसेंजर आरएनए. नाउ इन द प्रोटीन सिंथेसिस देयर इज नो ओनली वन मैसेंजर आरएनए व्हिच इज इन्वॉल्वड. देयर आर अदर टू टाइप्स ऑफ द आरएनए आर आल्सो इन्वॉल्वड व्हिच आर ट्रांसफर आरएनए एंड राइबोसोमल आरएनए. सो द फर्स्ट वन इज वी आर गोइंग टू डिस्कस हियर इज द ट्रांसफर आरएनए. Transfer RNA, it can be written as tRNA or transfer RNA, and this is single stranded just like the other RNA molecules. RNA के जितने भी दूसरे strand molecules होते हैं उनकी तरह ये भी क्या है, single strand होता है. और इसका जो structure है, that structure is clover leaf structure. ये जो structure है, this is clover leaf structure. ठीक है, इसका जो function है, it transfers the amino acid, transfers amino acids from nucleus to cytoplasm. ठीक है, जहां पर राइबोसोम मौजूद होता है वहां तक ये क्या कर लेता है, अमाइनो एसिड को ट्रांसफर कर लेता है. द स्ट्रक्चर ऑफ द आर एन ए ट्रांसफर आर एन ए, इट हैव थ्री मेजर लूप्स. वन इज टी लूप, द अदर वन इज एंटीकोडॉन लूप, एंड अदर वन लास्ट वन इज डी लूप. इसके अलावा इसके दिस इज द थ्री प्राइम, जो सिंगल स्ट्रैंड है तो उसका एक प्राइम जो है वो थ्री होता है, दूसरा फाइव प्राइम होता है. सो थर्ड प्राइम पर यहाँ पर हाइड्रॉक्सिल ग्रुप अटैच होता है और फिफ्थ प्राइम पर फॉस्फेट ग्रुप जो है वो अटैच होता है. थर्ड प्राइम पर याद रखे कि ए सी सी जो है ये वाला सिक्वेंस हमेशा से मौजूद होता है, दैट इज प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक आरएनए, लेकिन यहाँ दोनों में यहाँ पर ए सी सी वाला सिक्वेंस जो है वो मौजूद होता है. देखिए, आर मैसेंजर जो ट्रांसफर आरएनए है, ट्रांसफर आरएनए का फंक्शन कहाँ पर शुरू होता है कि जब मैसेंजर आरएनए राइबोसोम के साथ वो अटैच हो जाता है, तो मैसेंजर आरएनए इज बेसिकली अ कोड. ठीक है, अब वो कोड जो है उस कोड को डिकोड करना होता है. उसके डिकोड का मतलब ये है कि उसका कंप्लीमेंट्री जो है वो लगाना है राइबोसोम ने. सो सबसे पहले क्या कर लेते हैं कि राइबोसोम जो है, फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ राइबोसोम, तो इस राइबोसोम के साथ जो डीएन जो मैसेंजर आरएनए है वो यहाँ पर अटैच है. फॉर एग्जांपल इट कैरीज ए यू जी, दिस इज कोडान. ठीक है, जो ट्रिपलेट होता है वो कैरी कर रहा है. तो अब ये क्या कर लेता है कि ये उसके साथ तो अटैच है, ये ट्रांसफर आरएनए क्या कर लेता है, ट्रांसफर आरएनए जाकर उसको क्या करता है, रीड करता है कि इस मैसेंजर आरएनए के अंदर कौन सा कोड मौजूद है. ठीक है, तो जब ये फाइंड आउट कर लेता है तो पता चलता है, फॉर एग्जांपल कि यहाँ पर क्या है कि ए है तो एडेनिन के साथ यूरासिल, चूंकि आरएनए है तो यूरासिल लगेगा, यहाँ पर यूरासिल है तो एडेनिन लगेगा और ग्वानिन है तो फिर साइटोसिन लगेगा. अब ये क्या है, दिस इज एंटीकोडान. अब ये एंटीकोडान जो है इसी कोड वाला यूएसी वाला जो सिक्वेंस है या यूएसी वाला जो अमाइनो एसिड है, इस ट्रांसफर आरएनए ने अब क्या करना है, उसको डोम्ड के न्यूक्लियस में निकाल के लेके आना है टुवर्ड द साइटोप्लाज्म. ठीक है, जो सबसे पहले एंटीकोडान वाला लूप जो है वो उसको रीड करेगा. अब ये ट्रांसफर आरएनए क्या करते हैं, चला जाता है इनटू द न्यूक्लियस, वहां पर ये न्यूक्लियस में चला जाएगा और न्यूक्लियस में ये जो डी लूप है, ये डी लूप क्या कर लेता है, वहां पर इस तरह के अमाइनो एसिड को ढूंढेगा. ये उसको क्या कर लेता है, सर्च आउट कर लेता है. जब वहां पर ये सर्च आउट हो जाएगा उस तरह से, इस तरह इसमें ट्रांसफर आरएनए को वही अमाइनो एसिड जो मिल जाता है, जो इसका एंटीकोड है, लिहाजा क्या कर लेता है ये, तो ये डी लूप ने क्या किया, इसको आइडेंटिफाई किया. ये क्या कर लेता है, अमाइनो एसिड रिकॉग्निशन लूप. ये न्यूक्लियस में उस अमाइनो एसिड को क्या कर लेता है, रिकॉग्नाइज कर लेता है. ठीक है, देन दैट अमाइनो एसिड विल बी बाइंड विद दिस फ्री हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑन द थर्ड प्राइम. जो थर्ड प्राइम पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप है उसके साथ वो अमाइनो एसिड क्या होगा, वो अटैच हो जाएगा. ठीक है, अब न्यूक्लियस में उस इस ट्रांसफर आरएनए के साथ इसका जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, उस हाइड्रोक्सिल ग्रुप के साथ क्या अटैच हुआ है, ये अमाइनो एसिड बाइंड हो गया है. अब ये ट्रांसफर आरएनए क्या करेगा, वहां से दोबारा निकल कर आएगा इनटू द साइटोप्लाज्म. जब साइटोप्लाज्म में आ जाता है तो अब ये जो टी लूप है, ये टी लूप क्या कर लेता है, ये उस ये जो राइबोसोम होता है उस राइबोसोम को ये रिकॉग्नाइज कर लेता है कि पहले जिसके साथ वो एंटीकोडान जो है जिसने लगाना है. ठीक है, तो ये राइबोसोम, ये टी लूप क्या
करेगा, उस राइबोसोम को अब रिकग्नाइज कर देगा और ये जाकर क्या पर ये जो एंटीगुडान है, ये एंटीगुडान उसको क्या कर लेगा, उसके साथ उसको राइबोसोम को दे देता है, जिसकी वजह से क्या होगा कि दोनों के बीच में जो है वो बॉन्डिंग हो जाएगी और इस तरह से एक पेप्टाइड जो है जो एक पेप्टाइड बन जाएगा। ठीक है, इस तरह से ये जो ट्रांसफर आरएनए है दोबारा उसी मैसेंजर आरएनए से जो इसका दूसरा कोडान है उसको रीड करेगा, उसको रीड करने के बाद दोबारा से न्यूक्लियस में चला जाएगा, वहाँ पर उससे अमीनो एसिड की रिकग्निशन होती है, रिकग्निशन के बाद इसकी बाइंडिंग होगी, बाइंडिंग के बाद दोबारा से टी लूप के थ्रू क्या कर लेगा, राइबोसोम को रिकग्नाइज करता है और इस तरह से दूसरा पेप्टाइड बनेगा एंड सो ऑन एंड इन दिस वे एक पूरा चेन जो है अमीनो एसिड्स का वो बन जाता है जिसका कहते हैं प्रोटीन कहते हैं। सो दिस इज द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द ट्रांसफर आरएनए। द नेक्स्ट वन व्हिच इज राइबोसोमल आरएनए व्हिच इज द मोस्ट अबंडेंट आरएनए इन द सेल। ठीक है, उसको क्या कहते हैं राइबोसोमल आरआरएनए भी कहते हैं, आरआरएनए आर दिस इज राइबोसोमल आरएनए। ठीक है, राइबोसोमल आरएनए दिस इज अबाउट 80% ऑफ द टोटल आरएनए। जितना सेल के अंदर आरएनए है उसका 80% जो है वो क्या है, वो राइबोसोमल आरएनए होता है। ठीक है, एंड दिस इज ये राइबोसोमल आरएनए क्या कर लेता है, राइबोसोमल आरएनए प्लस प्रोटीन्स ये मिल जाते हैं तो क्या बने, एक न्यूक्लियो प्रोटीन बनता है जिसको हम क्या कहते हैं, राइबोसोम कहते हैं। ठीक है, राइबोसोम कहते हैं। अब ये राइबोसोम तो जाहिर सी बात है, अगर राइबोसोम नहीं है तो फिर ट्रांसलेशन जो है वो नहीं हो सकती, लिहाजा जो राइबोसोमल आरएनए है दैट इज इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ द प्रोटीन सिंथेसिस एंड दिस इज सिंथेसाइज इन द न्यूक्लियोलस। कहां पर सिंथेसाइज होता है, न्यूक्लियोलस में सिंथेसाइज होता है। दिस इज ऑल्सो सिंगल स्टैंडर्ड, दिस इज ऑल्सो सिंगल स्टैंडर्ड। सो दिस इज वॉट ऑल अबाउट द राइबोसोमल आरएनए एंड विद दिस वी हैव कंप्लीटेड ऑल द थ्री टाइप्स ऑफ द आरएनए एंड वी आल्सो कंप्लीटेड टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ द न्यूक्लिक एसिड विच आर डीएनए एंड आरएनए। इन द नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह वी विल बी डिस्कसिंग मोर अबाउट द बायोमॉलिक्यूल्स। थैंक यू।